ये जो आप देख रहे हैं ये श्री स्वामी नारायण जी का टेम्पल है। इट इज़ अ ह्यूज टेम्पल ऑफ अ लॉर्ड नारायणा। और कहते हैं इस मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना गुजरात का स्वामी नारायण मंदिर क्यों है इतना खास? क्या आप जानते हैं कि स्वामी नारायण के मंदिर का गुजरात में कितना बड़ा साम्राज्य है? तो चलिए स्वामी नारायण जी के इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ नज़दीक से मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है और अंदर जाके अभी आपको दिखाती हूँ। अभी मंदिर में अंदर जाते हैं। वैसे तो आपने स्वामीनारायण जी के मंदिर बहुत जगह देखे होंगे बट ये गुजरात के भुज में है, तो अगर आप भुज घूमने आते हो तो यहाँ पर भी डेफिनेटली आ सकते हो। मंदिर विजिटिंग के लिए हमेशा खुला रहता है। कितना ठंडा लग रहा है फर्श। दो हजार एक में जब अर्थक्वेक आया था तो ये मंदिर पार्शली डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर बाद में इसे रिबिल्ड किया गया और 6 साल तक कंस्ट्रक्शन के बाद इस मंदिर को इतना खूबसूरत बनाया गया जैसा आप वीडियो में देख ही रहे हो। और अंदर से आप ये मंदिर देखिए, अब और भी ज़्यादा सुंदर है। स्वामीनारायण जी के मंदिर वैसे तो आपको ऑल ओवर इंडिया या बाहर भी देखने को मिल सकते हैं, बट गुजरात कहते हैं कि स्वामीनारायण जी की कर्म भूमि रही है, इसीलिए गुजरात में स्वामीनारायण जी के मंदिर आपको हर एक सिटी में देखने को मिलेगा। अच्छा, अग्नि 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 पत्नी
कौन सी मूवी आई थी? कौन सी हमारी मूवी नहीं आई क्या थी साउथ की? कौन सी आई थी अभी? कांतारा। कांतारा उसमें थोड़ा सा कर के इन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था घर के अंदर ना घर के बाहर ना आसमान ना जमीन घुटने पे चौखट पे और ऐसा अवतार था उसमें मुसीबत था और जानवर से नहीं ऐसा वो वरदान मांगा था। अच्छा। मेरे को ना कोई इंसान मार सके ना जानवर ना कोई घर के अंदर ना बाहर ना जमीन में ना आसमान में तो इसलिए उसको ना जमीन ना आसमान उसको स्वामी नारायण जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें भक्त साक्षात परमेश्वर का अवतार मानते थे। स्वामी नारायण जी ने ही स्वामी नारायण संप्रदाय की शुरुआत की थी। स्वामी नारायण जी ने लोगों को अच्छाई का रास्ता दिखाया। उनका पर्पस लोगों की सेवा करना था, जिस वजह से वो चारों तरफ प्रसिद्ध हो गए और उनके साथ कई लोग जुड़े। लोगों के जुड़ने के साथ साथ उनके भक्त उनको भगवान का अवतार मानते थे। और गुजरात में तो स्वामी नारायण जी की कर्म भूमि रही है, तो शायद इस वजह से गुजरात के लोगों पर उनका खास असर पड़ा। शायद यही वजह है कि गुजरात के जगह जगह पर स्वामी नारायण जी के कई मंदिर हैं। और ये जो मंदिर हैं, इन्हें सेवा का स्थान माना जाता है, संस्कृति का धाम है। यहाँ पर लोगों को संस्कार और सेवा की प्रेरणा दी जाती है। लोग जिस तरीके से यहाँ पर आते हैं उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि मंदिरों का विस्तार होता रहेगा। स्वामी नारायण जी के मंदिर अगर आपने देश के किसी भी जगह पर देखा होगा तो वो इतने ही सुंदर, बड़े और खूबसूरत बनाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर। कितना मस्त है।